शाम सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी किया। उसकी तस्वीरें भी देखी, निकलकर सामने आई थी। और इससे पहले सीएम योगी नमो घाट पहुंचे, वहां विकास कार्यों का निरीक्षण करते नजर आए। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ टेंट सिटी पहुंचे और टेंट सिटी में सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। रविवार को सुबह सीएम योगी संत रविदास जयंती पर सीर गोवर्धन स्थित मंदिर जाएंगे और यहां संत शिरोमणि के चरणों में शीश नवाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। 6 फरवरी को सीएम योगी का मथुरा दौरा, जीएलए यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में 3,136 विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे उपाधियां और 22 गोल्ड और 22 सिल्वर मेडलिस्ट छात्र को सम्मानित भी किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, 6 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर रहेंगे और इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही है। जीएलए यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह है और इस दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 3,136 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगे और साथ ही 22 गोल्ड और 22 सिल्वर मेडलिस्ट छात्रों को सम्मानित करेंगे। तो 6 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर रहेंगे, जीएलए यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही कई कार्यक्रम होंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और 6 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर रहेंगे। जीएलए यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में 3,136 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगे, साथ ही 22 गोल्ड और 22 सिल्वर मेडलिस्ट छात्रों को सम्मानित करेंगे। बताते चले आपको कि 10:50 से 12:10 तक 2 घंटे तक ये कार्यक्रम होगा जिसमें शिरकत करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। और केंद्र सरकार के बजट को लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है, तो वकील सरकार का कहना है कि बजट से जनता खुश है, बिना पढ़े ही विपक्ष बजट पर सवाल उठा रहा है। देखिए, कोई विपक्ष इस बजट को अगर क्रिटिसाइज करता है, इस बजट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, आप उसको सिर्फ तर्क पूछिए। कोई ऐसा तर्क, कोई ऐसा चीज नहीं इस बजट जिसको लेकर के कोई इसके खिलाफ बोल सके। किसी भी रूप से क्रिटिसाइज करने का कोई जगह नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो राजनीति है बस। मंत्री जी, अखिलेश यादव लगता है जिसने ये बोला है, अखिलेश जी ने बोला है क्या, लगता है उसने बजट नहीं पढ़ा होगा। पढ़ने वाला ऐसा नहीं पढ़ सकते। थोड़ी आप जरा पूरा पढ़े समझ में आ जाएगा। ऐसा एक भी वर्ग नहीं है जिसके बारे में माननीय मोदी जी ने सीतारमण जी ने जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सिर्फ मैं एक ही विषय बोलूं कि हमारे यहाँ जो सामूहिक रूप से सहकारिता के क्षेत्र में काम करती महिला, उसके लिए 6,000 करोड़ का बजट रखा है। शिवपाल सिंह की देख तो ले एक बार पूरे बजट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज